Good morning. Let's continue with the revision of number system chapter. So yesterday we were doing the sums related to exponents, right? So I'm going to write few sums on the board. You will be solving that. Solve it. It's very easy. Yes, beta. Answer आ गया दिव्यांशी. दिव्यांशी क्या दिव्यांशी है ना नाम. Answer बोलो. इसका ये आता है. आता भी नहीं. It is a simplest sum. क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए. नो पावर है 32. कल क्लास में लगाई. क्यों नहीं लगाई. 32 raised to power 2 by 5 beta. It is the simplest. You will make the factors of 32 के factors बनाओगे. 32 के जब factors बनाओगे 2 कितनी बार आएगा. 5 times. ऐसे याद है. Like this. So when we will make the factors of 32, 2 comes 5 times. So we will write like this. 2 raised to power 5. इंटू 2/5 कटिंग हो जाएगी. 2 स्क्वायर आंसर इज 4. इतना सिंपल सम तो आएगा भी नहीं बेटे. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा. ये देखो. हाँ जी 1/125 को कैसे लिख सकते हैं. 5³ इंटू -1/3 कैंसल. 5 raised to power minus 1. If the power is in negative, we can write like this. 1/5. ठीक है. डिनोमिनेटर में चला जाता है नंबर. अगर नेगेटिव है ऊपर है तो नंबर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ऐसे होता 1/5 raised to power -1 1/5 तो हम इसको लिख सकते थे 5 raised to power 1. If the number is negative in the denominator, then the power will become positive and the number will go in the numerator. And if it is negative in the numerator, means like this, then we will write like this. Okay? Now anyone having the assignment? I asked yesterday. Just do. Assignment wale questions are cover noor bichal hi mita deta hai. Nobody is having the assignment questions. Ghar par hai. धीरेन कुछ बोलना है. मैम मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार आप वो सॉल्व करवा दो. कौन सा. मैम क्वेश्चन है यही वाला था जैसे कि 15 1/3 / 9 1/4 इनटू द ब्रैकेट -6. 15 1/3 मैम डिवाइडेड बाय 9 1/4 डिवाइडेड बाय 9 1/4 1/4 divided and ma'am fir bracket. Yes ma'am and ma'am brackets. Ma'am pure ko us par -6 raised to power -6 raised to power -6 6. Okay, let's do this question. Dekhiye beta 15 raised to power 1/3 iska matlab kya hai. ये जो -6 है इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है. इसको हम कैसे लिखेंगे. 15 1/3 × -6 इसको लिख सकते हैं. -6/3 यस और नो. सीधा माइनस आएगा. हाँ बट सीधा लिख सकते हो. बट चलो एक्सेप्ट तो लिखें. सिमिलरली 9 ये 1/4 की भी पावर मीन्स इसकी भी पावर है -6. 1/4 × -6 it will be -6/4. -2 9 raised to power -3/2
इतना आया, पहले इतना आया. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव दिस नेगेटिव साइन. जो नेगेटिव पावर है वो हटाएंगे. नेगेटिव पावर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, या से नीचे. वी विल राइट लाइक 9 raised to power 3 by 2 over 15 square. Now 9 is 3 square into 3 by 2. 3 into 5 square. ये समझ आई बात? 15 क्या होता है? 3 5 जा 15. 15 का square means 3 into 5 का whole square. Yes? तो इसका मतलब 3 का भी square और 5 का square. I have written directly. अब ये 2 कैंसिल. 3 cube over 3 square into 5 square. ये 2 बार है, ये 3 बार कट गया. सो आंसर इज 3/25. Fine. 3 by 25 बच्चे. Okay, again I'm going to give you the simple sums. करो. I say they are very simple. जिनको नहीं आते उनके लिए एक बार दे रही हूँ कि थोड़ा सिंपल से आप करना शुरू करो. What we are using here? We are using here the laws of exponents. कहाँ थी? हाँ, यस बेटा, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट इज द आंसर इज 8. व्हाट वी हैव टू डू, दिव्यांशी आपने किया है, यहाँ रख दो. हाँ जी, क्योंकि पावर क्या थी? 2. अगर मान लो यहाँ पर पावर होती 3, फिर 4 का क्यूब, और अगर पावर होती 6, फिर क्या करते? फिर 8 का स्क्वायर करते, तो आगे कैलकुलेशन होती. जो 1/6, जैसे जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, कोशिश ये करनी होती है कि जो बेस नंबर है, हम अगर 6 तो प्राइम नंबर से बनाएं, इसे उतनी ही पावर आए ताकि पावर से पावर कट जाए. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे 2 था, तो इट वॉज वेरी सिंपल. 8 square into 1/2, answer is 8.
जैसे आपने किया वैसे भी करेक्ट है, टू से करके टू की पावर आई सिक्स है ना, तो सिक्स टू से कट गया, टू की पावर थ्री इज ऑल्सो एट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यस लक्ष्य मैम, एट आंसर, एट एट ही है, ओके। अब पावर डिनोमिनेटर में फोर है, वी विल राइट टू रेज टू पावर फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, बिल्कुल ठीक है, आंसर एट आया है, वो भी ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट ही हो जाता है, वो भी ठीक है, फोर फोर से कट गया, टू क्यूब इज एट। नाउ सी दिस क्वेश्चन हियर बेटा, यू हैव डन द एटन लॉ दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन इज ए रेज टू पावर एम माइनस एन, मींस व्हेन द बेस इज सेम एंड देयर इज डिवीजन साइन इन बिटवीन देन द पावर्स गेट सबट्रैक्टेड, सो इट इज ए रेज टू पावर एम माइनस एन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, 11 रेज टू पावर 1 माइनस 2 by 1 by 2 minus 1 by 4। आपने ये नहीं देखना कि ये नंबर बड़ा है या ये बड़ा है, ऊपर वाला फ्रैक्शन में से नीचे वाला, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या करना है, माइनस। मान लो ऐसे हो आपके पास नंबर 11 raised to power 3 over 11 raised to power 8, तो 11 raised to power 3 minus 8 आएगा, ना कि 8 minus 3, समझ आ गई बात। ठीक है, ऊपर वाला पावर पहले, फिर माइनस द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, दिस यू वी कैन सॉल्व, 4 एलसीएम 11 रेज टू पावर 1 बाय 4, डिड यू गेट दिस आंसर, ओके। नाउ व्हाट डज दिस डॉट मींस, यस, नाउ बेटा सेम बेस different powers, so the powers will be added up, क्या होगा, LCM आएगा, LCM is 15 10 सत्तर पड़े क्या कवर नोट, आदत है ना तुम्हारी, टू रेज टू पावर 13 बाय 15, इसके 10 में कंफ्यूज हो गई ना मैं, 10 बोल के मुझे शॉक कर दिया, चलिए 1 रेज टू पावर 7 1 3 raised to power 3 into 7 21, either you can leave your answer here, like if it is coming in the form of MCQ, so MCQ mein aise option bhi de sakte hain, 3 raised to power minus 21, 1 by 3 raised to power 21 is 3 raised to power minus 21 only, okay। Now, beta, there is one type of question in your book that if a number is given, अगर कोई आपके पास rational number given है, ठीक है, then looking at the number without solving it, आप कैसे बता सकते हो कि वो rational कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सी इन योर बुक, हाँ जी एनीवन, यस ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या, इसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन मैंने करवाया था लेकिन, है ना, अभी बताती हूँ, ये देखो
ये दिया हुआ है, कहाँ से करवाया था, किस जी? यस लक्ष्य मैम, इज द नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 एंड पावर ऐसे कुछ था। आप स्पीक लाउडली मैम, इफ द नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 2 एंड 5 लाइक दैट कुछ ऐसे था, बुक में था इसका कांसेप्ट पर इसका क्वेश्चन नहीं था। एनीवेज सी बेटा, what you have to do, you have to make the factors of the denominator. aap denominator ke factors banaoge, agar aapke denominator ke factors mein 2 ki power aa jati hai, chahe 2 ek baar bhi aaye, aur 5 ki any power denominator mein aap factors banaoge, agar denominator ke factors mein 2 aata hai ya 5 aata hai, then that number is terminating. kahan hai दिखा जरा, एनीवेज पकड़ो इसको, ठीक है? आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, सी देखते हैं ये कहां पर है। जैसे आपके पास कोई नंबर है, कहते हैं विदाउट सॉल्विंग टेल वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल, ठीक है? तो एमसीक्यू में आ गया सीधा, टेल वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल, तो आप उसको डिवाइड करने के देखने की बजाय क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना सकते हो। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर सपोज मान लो कोई नंबर आपके पास आया है, ये 21 या कुछ भी, जिसमें जैसे ये 37 है, कोई नंबर आ जाए जिसमें फैक्टर्स बन रहे हैं 3, 11, 13 मान लो, ना 2 आता है ना 5 आता है, दैट इज एन, ठीक है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज ऑलवेज अ रैशनल। रैशनल की दो कैटेगरीज हैं, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है? तो आप कैसे बता सकते हो, अगर तो डिनोमिनेटर की पावर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, फिर वो कैसा रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग, ठीक है? अगर 2 और 5 में से कुछ नहीं आता, बाकी के नंबर आते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, देन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रैशनल तो होगा ही। व्हाई रैशनल? बिकॉज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज अ रैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेट इरैशनल नंबर होते हैं बेटे, जैसे वो आपको जनरल आपको समझाने के लिए दिए होते हैं कि अगर कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, वो आपको बताने के लिए कि ये तो नंबर है, तो वो सो ऑन जाता जाए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए तो वो इरेशनल है। वैसे इरेशनल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। हाँ बोल, अगर डिनोमिनेटर में अकेला 5 हो, हाँ तो भी टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो इरेशनल है बेटे, क्योंकि पाई की वैल्यू जो 22/7 हमने ली थी, वो हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने वो ली है, अदरवाइज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती वो, तो देयरफॉर द पाई इज इरैशनल, 3.14 सो ऑन चलता जाता है, ठीक है? ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन, 5/√3, rationalize it and solve it.
Hurry, better do these sums. हाँ जी हो गए सारे हो गए वो भी हो गया करो Now let's solve it. Look on the board. What is the answer, Sahil, to the first question? We will rationalize it. ये minus का है तो plus sign लग के rationalize होगा. Right? Then it will be written as 5 bracket. रूट थ्री प्लस रूट फाइव इसको अलग अलग से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सीधा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर यस थ्री माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री रूट फाइव स्क्वायर इज फाइव सो थ्री माइनस फाइव इज माइनस ठीक है तो दिस इज द आंसर यस कवर नोट यस क्विक आंसर आने चाहिए जैसे ये तो इतना सिंपल है सॉल्व करने की भी जरूरत दिमाग में ही हो जाता है कि टू माइनस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री ऊपर आएगा टू माइनस थ्री डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी टू का स्क्वायर फोर थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री 2 minus root 3, 4 minus 3 is 1. Yes, 1 minute. Nitya. Over, yes. जैसे एमसीक्यू में मुश्किल एमसीक्यू भी आएंगे थोड़े से जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन होगी इजीली होंगे जिसमें डायरेक्ट है व्हाट इज द आंसर रूट 5 माइनस 2 ओवर 3 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इट इज sorry root 5 square minus root 2 square 5 minus 2 that is 3 we have to add it so I will write here plus instead of and yes Renuka yes ye like terms hai root 2 wale so 2 root 2 plus root 2 is 3 root 2 5 root 3 minus root 3 is जो तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं रेगुलर उनको तो ये सम्स लगेंगे बहुत इजी ठीक है बट those who are not studying those who have not studied this chapter thoroughly बेटा you need to understand you need to practice the NCERT questions properly and then afterwards you have to do the extra question see in your book it is written on page number 19 ये देखो इसमें से एमसीक्यू आते ही आते हैं the sum or a difference of a rational number and an irrational number is irrational ki rational or irrational ko aap chahe plus karo ya minus karo answer hamesha kya aayega irrational baat samajh mein aa gayi agar rational jaise ye hamare paas irrational number hai humne isko plus kiya to answer irrational hi aayega acha kiya aapne aur agar aap रैशनल और इरैशनल सुन लो हेलो सो रहे हो रैशनल और इरैशनल को प्लस करोगे तो भी आंसर इरैशनल आएगा रैशनल और इरैशनल को माइनस करोगे तो भी आंसर इरैशनल आएगा ठीक है सेकंड देखो द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल विद एन इरैशनल इज इरैशनल रैशनल का इरैशनल के साथ प्रोडक्ट अगर हम करते हैं बोर्ड पे देखिए
आपने कोई भी नंबर ले लिया रैशनल, 37 इंटू 4√3। अगर किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो भी देखो रूट वाला नंबर तो वैसे ही रहेगा, ये इरैशनल है ये रैशनल है। रैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, रैशनल को बेटा इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इरैशनल ही आएगा। रैशनल क्या नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर ही है। क्वेश्चन मतलब डिवाइड करते, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन मींस ये प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड करोगे तो भी इरैशनल आएगा। इरैशनल को पहले लक रख लो, रैशनल तब भी इरैशनल आएगा, रैशनल प्लस इरैशनल भी इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल भी इरैशनल। अब बात आती है कि अगर इरैशनल और ये लास्ट देखो, if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, the result may be rational or irrational. अगर हम दो irrational मतलब rational और irrational number अलग अलग number लेते हो अगर, तो चाहे plus करो minus करो multiply करो divide करो answer हमेशा क्या आएगा irrational। ये याद रहेगा, दो अलग अलग चीजें लेते हो उनको चाहे plus करो minus करो multiply करो divide करो answer हमेशा irrational। लेकिन अगर आप दोनों इरेशनल नंबर लेते हो, दोनों इरेशनल, तो जो भी मैथ्स के चार ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उनको आप करोगे तो आंसर रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी। अब अगर एमसीक्यू फॉर्म नहीं होती फिर आपको एग्जांपल लिखने को कहते, राइट टू एग्जांपल, राइट एन एग्जांपल इन विच द सम ऑफ रैश टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। द सम ऑफ अ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल, इरेशनल बोथ नन, तो बोथ बोथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ टू रैशनल तो रैशनल ही आएगा, इरेशनल की बात करनी है। देखना टू रैशनल है ये इरेशनल है, अगर आपको प्लस करेंगे माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा दिव्यांशी ये आएगी इरेशनल दिव्यांशी। ठीक है, अगर ये भी इरेशनल है मैं भी इरेशनल हूँ, हम दोनों को प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस या डिवाइड करेंगे तो दोनों तो आंसर रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, दोनों ऐसे याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो विल कंटिन्यू ऑन मंडे, टेक केयर।